हेलो गाइस, आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 का। तो देखिए, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड ऑन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन द परेड। क्या कह रहे हैं कि 616 मेंबर्स हैं, मार्च करना है उन्हें बिहाइंड आर्मी बैंड के लिए, आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, जिसमें परेड में कितने मेंबर होंगे, 32 मेंबर्स। द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। जो टू ग्रुप्स होंगे मार्च करने वाले, उन्हें सेम नंबर ऑफ कॉलम होंगे उनके। वट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो हमने क्या फाइंड करना है कि कितने नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे जिसमें वो मेंबर्स, 32 मेंबर्स परेड कर सकते हैं। तो इसके लिए इसमें हमें क्या फाइंड करना है, एच सी एफ ऑफ 616 एंड 32 हमने फाइंड करना है HCF। और HCF फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या होता है, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारा क्या है, डिवाइडेंड, बी डिवीजर, क्यू क्वोशेंट एंड आर हमारा होता है रिमाइंडर। तो हम डिवाइड करेंगे 32 616, तो 32 वन का 32, इसे हम माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा 296, तो 32 नाइन का 288, तो अब इसे माइनस कर देंगे, इसमें माइनस करेंगे 800, तो हमारे पास 8 आ गया रिमाइंडर। तो हम इसे फॉर्म में लिखेंगे 616 इज़ इक्वल्स टू, बी हमारे पास क्या है 32, क्वेश्चन हमारे पास है 19 प्लस रिमाइंडर हमारे पास आ गया 8। तो हम अब डिवाइड करेंगे 32 को, 32 को डिवाइड करेंगे 84 का 32, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। 32 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो एच सी एफ ऑफ 616 एंड 32 इज, जो हमारा लास्ट स्टेप में डिवीजर होता है वो हमारा होता है एच सी एफ। तो 8 हमारा आ गया एच सी एफ। तो हम कह सकते हैं द आर्मी कैन मार्च इन 8 कॉलम्स। जो यही हमारा आंसर था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।